नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीपल वॉइस। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जिस तरह लगातार कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे विपक्ष पीएम मोदी की कार्यशैली पर तंज कस रहे हैं, क्योंकि जब से कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा है तब से लगातार विपक्ष के साथ राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी को आड़े हाथों ले रहे हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि ना टेस्ट है, ना अस्पताल में बेड, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है। विपक्ष का आरोप है कि पीएम मोदी अपने कार्य में फेल हुए हैं। जिस तरह देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे राज्यों के हालात भी खराब हो रहे हैं। इसी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि दूसरे प्रदेशों से लौट रहे लोगों को राज्य में क्वारंटाइन रहना होगा। इसके लिए दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं। साथ ही बताया कि बाहर से लौटे लोगों को कोरोना जांच जिला प्रशासन करवाएगा। जिन लोगों में बीमारी के लक्षण होंगे उन्हें 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रहना होगा। वहीं लक्षणविहीन लोगों को 7 दिन के होम क्वारंटाइन में रहना होगा। इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश प्रशासन के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र लिखकर दी है, जिसमें कहा है कि जिन लोगों के घर में क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं हो पाए उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जैसे प्राथमिक विद्यालय या कोई अन्य भवन में रखा जाएगा। बांदीकुई पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को स्मैक सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक से 2 ग्राम 380 मिलीग्राम स्मैक बरामद की गई है। उक्त मामले में बांदीकुई थाना अधिकारी राजेंद्र मीणा ने बताया कि पुलिस को मिली सूचना के आधार पर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया है। युवक बांदीकुई में अवैध मादक पदार्थ बेचने की फिराक में यहां आया था। पुलिस ने युवक से 2 ग्राम 380 मिलीग्राम स्मैक बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। बांदीकुई थाना द्वारा अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई करने के लक्ष्य को टारगेट करते हुए स्पेशली टीम कल रवाना की गई थी, जिसके द्वारा बताया गया था कि ढायर वाली डाणी ननेरा मंडावर रोड के बीच एक सेंट्रो कार से राजेश मीना स्मैक बांदीकुई कस्बे में बेचने के लिए आ रहा है, जिस पर टीम द्वारा नाकाबंदी की। मेरे नेतृत्व में रात्रि को राजेश मीना जो खेड़ी का रहने वाला है इसको सेंट्रो गाड़ी सहित पकड़ा था, जिसके पास कुल 2 ग्राम 380 मिलीग्राम स्मैक थी, जिसमें शुद्ध मात्रा 1 ग्राम 630 मिलीग्राम स्मैक शुद्ध मात्रा मिली गई थी, जिसको एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ 8/21 एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की है और अनुसंधान अग्रिम SHO बसुआ श्री रामचरण द्वारा किया जा रहा है, जिसकी चेन को आगे जोड़ा है। जयपुर स्थित राजा पार्क में बहुमंजिला आवासीय फ्लैट को बिना सक्षम अधिकारी की लिखित स्वीकृति के साथ बिना मानचित्र अनुमोदन के सेट बैंकों का उल्लंघन करते हुए वहां अवैध निर्माण किया जा रहा था। साथ ही मालवीय नगर के कुछ प्लॉट में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति और मानचित्र अनुमोदन के सेट बैंकों का उल्लंघन करते हुए व्यावसायिक उद्देश्य से बहुमंजिला भवन निर्माण किया जा रहा था। इन पर उपायुक्त सुरेश चौधरी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। बांदीकुई क्षेत्र में लोगों द्वारा कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना होती नजर आ रही है। देश भर में जहां कोरोना के चलते हाहाकार मचा हुआ है, वहीं सरकार इससे बचाव के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रशासन बार बार व्यापारियों के साथ बैठक ले रहे हैं और कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इन सबके बावजूद बांदीकुई शहर में ना तो लोगों को कोरोना का खौफ दिखाई दे रहा है और ना ही व्यापारियों को। शहर की दुकानों में जहां एक साथ दर्जनों भर की संख्या में खरीदार बगैर मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दुकानों में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दुकानदार भी इस भयावह स्थिति के प्रति बेखौफ नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द पीपल वॉइस।